हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं तकदीर कहानी का एपिसोड नंबर 30। अभिमन्यु राठौर मेंशन पहुंच चुका था। वो सीधा जाकर तन्वी के रूम का डोर नॉक करता है। तन्वी, क्या तू सो गई है? मुझे तुझे बहुत ज़रूरी एक बात बतानी है। तन्वी आकर डोर ओपन करती है। क्या अभी? ऐसी भी कौन सी बात हो गई जो तू कल नहीं कह सकता था? तन्वी, मैं आज भैया से मिला, तूने मुझे ये बताने के लिए उठाया है। तो ये बात सुनकर खुश नहीं हुई? अभी इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, हम दोनों तो रोज अनुराग भैया से मिलते हैं। अभिमन्यु ने तन्वी के सिर पर मारते हुए कहा। मैं अनुराग भैया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समीर भैया की बात कर रहा हूँ। क्या तू समीर भैया से मिला? कब, कहाँ, तूने उनसे क्या बात की? वो अब कैसे दिखते हैं? उनके बाल बचपन जैसे लंबे हैं या शॉर्ट? रिलैक्स रिलैक्स, सांस तो ले ले। अभिमन्यु ने तन्वी को पूरी बात बताई। अभी हम ये बात नानी को बताएंगे, वो जब ये सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है, हम कल दादी को ये बात बताएंगे, लेकिन तू ये बात बुआ को मत बताना, नहीं तो बुआ मॉम को बता देगी। ओके अभी। मैं तो तुझे एक बात बताना भूल गया, मैं आज भाभी से भी मिला। भाभी? या भाभी समीर भैया की वाइफ। अभी इसका मतलब मीडिया वाले सच कह रहे थे, यानी समीर भैया की एक डॉटर है? ओ माय गॉड, तू क्या उससे मिला है? वो कैसी दिखती होगी? मैं उससे नहीं मिला, आई डोंट नो वो कैसी दिखती होगी। अनुराग, तृष्णा जी और नारायण प्रताप जी को पता था अनन्या और समीर की शादी के बारे में। अभिमन्यु, तन्वी, जया जी और तन्वी की माँ निवेदिता जी को इस बारे में नहीं पता था। अभिमन्यु और तन्वी बात कर ही रहे थे, तभी उन दोनों के कानों में अनुराग की सर्द आवाज पहुंची। इतनी रात को तुम दोनों सोए नहीं? सॉरी भाई, ये कहकर वो दोनों अपने कमरे में चले गए। दोनों के जाने के बाद अनुराग ने अपने आप से कहा, मेरी अनन्या को गए हुए एक महीना भी नहीं हुआ, इसने दूसरी शादी भी कर ली। समीर आस्था को देखते हुए कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। उसकी नींद तब खुली जब किसी ने डोर नॉक किया। समीर देखता है, आस्था उसे किसी छोटी बच्ची की तरह पकड़कर सो रही है। समीर के फेस पर एक स्माइल आ जाती है जो तुरंत चली भी जाती है। समीर जाकर डोर ओपन करता है। एक सर्वेंट सर नीचे करके खड़ी थी। मिस्टर राठौर, हेजल अलमारी से बाहर नहीं आ रही है, वो सिर्फ रोई जा रही है। समीर इस वक्त हेजल के रूम में था। हेजल अलमारी में छुपी हुई थी। जब उसने समीर की आवाज़ सुनी तब वो बाहर निकल कर आती है। पापा, मुझे वो भूत खा लेगा, ये कहकर वो रोने लगती है। समीर को समझ में आ जाता है हेजल ने कोई बुरा सपना देखा होगा। समीर उसे गोद में उठा लेता है। आपको ऐसे कैसे वो भूत खा लेगा, मैं हूँ ना, अब आप रोना बंद करो। पापा, मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना, मैं अकेले रही तो वो भूत आकर मुझे खा लेगा। समीर उसे अपने रूम में ले आता है और आस्था के बगल में लेटा देता है। हेजल एक नज़र आस्था को देखती है तो उसे याद आता है, समीर ने तो सिर्फ यही कहा था, आस्था कुछ महीने यहाँ रहेगी, लेकिन क्यों ये तो उसने नहीं बताया। पापा, आपने तो मुझे नहीं बताया आस्था क्यों यहाँ पर रहेगी। पापा बताओ ना। आस्था यहाँ पर कुछ महीने आपकी मम्मा बनकर रहेगी, क्योंकि आपको आपकी मम्मा की याद आती है ना। समीर के मन में जो आया उसने वही कह दिया। उसे अब रियलाइज हुआ उसने अभी क्या कहा है। समीर की बात सुनकर हेजल बहुत खुश हो जाती है। क्या सच्ची पापा? लेकिन पापा, कुछ महीने क्यों, पूरी जिंदगी क्यों नहीं? पूरी जिंदगी नहीं रह सकती, हेजल ने अपनी आंखें छोटी करके पूछा। लेकिन क्यों? अब कहानी में क्या मोड़ आएगा, क्या आस्था साबित कर पाएगी अपनी बात? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।